रेडमी नोट 12 प्रो 5G वर्सेस रेडमी नोट 12 5G कंपैरिजन एंड अनबॉक्सिंग। तो गाइस मेरे हाथ में है यहाँ पर रेडमी की तरफ से रिसेंटली लॉन्च हुआ यानी कि रेडमी सीरीज के दो वेरिएंट्स रेडमी नोट 12 प्रो 5G एंड रेडमी नोट 12 5G। आज मैं दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन करने वाला हूँ और यहाँ पे अनबॉक्सिंग कंपैरिजन देखेंगे। और यहाँ पे देखते हैं कि अगर आप दोनों ही स्मार्टफोन में से किसी भी एक स्मार्टफोन को यानी कि रेडमी नोट 12 प्रो 5G या रेडमी नोट 12 5G इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक स्मार्टफोन को अगर आप परचेस करना चाहते हो, ऐसे में अगर आप कंफ्यूज हो दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स को लेकर, तो आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। सो गाइस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऐसे पॉइंट यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक और सेकंड यूट्यूब चैनल मैंने और यहाँ पर क्रिएट किया जिसपे मैं कंप्लीटली डिफरेंट टाइप के कंटेंट और वीडियोस वहाँ पर अपलोड करते रहता हूँ। तो जो सेकंड यूट्यूब चैनल है मेरा गाइस, उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे वहाँ पर आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट सब्सक्राइब मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। तो ये है गाइस मेरे लेफ्ट साइड में रेडमी नोट 12 प्रो 5G जो कि है यहाँ पर, ये भी 5G स्मार्टफोन है और ये है रेडमी नोट 12 5G। तो जो रेडमी नोट 12 प्रो 5G है गाइस, ये यहाँ पर आपका इसका जो प्राइस है वो है नियरली 24,000 रुपीज़, और ये जो है रेडमी नोट 12 5G इसका जो प्राइस है वो है नियरली 18,000 रुपीज़, यानी कि 18,000 रुपये का यह स्मार्टफोन है। और दोनों स्मार्टफोन के जो प्राइस है यानी कि प्रो वाला जो वेरियंट है इसका प्राइस आपको थोड़ा ज़्यादा ही देखने मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो रेडमी नोट 12 प्रो 5G है इसके फीचर्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर यह है इसमें जो पूरा डिटेल्स में पूरा दिया गया, 50 मेगापिक्सल का इसमें बैक में कैमरा आता है, एयर ट्रिपल कैमरा फ्रंट में आता है, 16 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, और ये 5G स्मार्टफोन है और इसमें डॉल्बी आता है, एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है, यानी कि जो नोट 12 प्रो 5G ये एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आता है। इसका इसमें जो प्रोसेसर आता है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1080 का प्रोसेसर आता है, और यहाँ पर ये जो HDR 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, कॉर्नेला ग्लास 5 के साथ में आता है। इसमें जो चार्जर आता है गाइस वो है 67 वॉट का चार्जर आता है, यहाँ पर श्योरली दिया गया 67 वॉट का चार्जर है, और 5000 mAh की बैटरी के साथ में आता है, और ये IP53 वाटर रेसिस्टेंट है। देन इसके बाद जो सेकंड वाला स्मार्टफोन है ये है रेडमी नोट 12 5G, और इसमें आपको जो फीचर है वो आपको रेडमी नोट 12 प्रो के कंपेयर में कमी देखने मिलेगी, बट फिर भी एक में शो ही। तो इसमें जो प्रोसेसर आता है गाइस वो है स्नैपड्रैगन 4th Gen 1 का 5G वाला प्रोसेसर है। इसमें भी एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में आता है, 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा आता है, देन 33 वॉट का चार्जिंग आता है फास्ट चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी आती है, 2GB का वर्चुअल रैम मिलता है, IP53 मिलता है, दैट्स इज ऑल अबाउट। और ये भी एक 5G स्मार्टफोन है, मेड इन इंडिया का ये प्रोडक्ट्स है। तो मेरे पास यहाँ पर गाइस, तो ये जो रेडमी नोट 12 प्रो 5G वाला जो वेरिएंट है ये मेरे पास है 6GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है, और ये जो है रेडमी नोट 12 5G ये है 4GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों स्मार्टफोन को जैसे आप अनबॉक्स करते हो, तो यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन्स में पहली बात जो ऊपर की तरफ मिलता है एक बैक केस मिलता है ऊपर की तरफ, जो कि दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम है। देन उसके बाद यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल जाता है, उसके बाद है ये हमारे दोनों स्मार्टफोन। तो ये है रेडमी नोट 12 प्रो 5G एंड देन उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में है मेरे रेडमी का जो 12 5G वाला वेरिएंट है रेडमी 12 5G। तो अभी सी बात है लुक के मामले में जो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है वो रेडमी नोट 12 प्रो 5G बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहा है एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 12 5G। इसको साइड में रखते हैं, देन उसके बाद है यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन्स के बॉक्सेस में। तो ये जो है रेडमी का नोट 12 प्रो 5G, इसमें जो चार्जर आता है गाइस ये है एक 67 वॉट का चार्जर है जो रेडमी नोट 12 प्रो 5G में आता है। एंड देन उसके बाद अगर आप रेडमी नोट 12 5G लोगे तो इसमें आपको 33 वॉट का चार्जर मिलेगा। तो अभी से बात मैं दोनों स्मार्टफोन को लेकर चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर करने वाला हूँ, तो वेट फॉर दैट वीडियो। उसके बाद है यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में एक टाइप सी केबल मिलता है, दोनों स्मार्टफोन में टाइप सी केबल आता है, सेम टू सेम है, और लेंथ भी दोनों स्मार्टफोन के सेम टू सेम है, दैट्स इज ऑल अबाउट। जो रेडमी नोट 12 प्रो 5G है उसके बॉक्सेस में बस आपको इतने ही इक्विपमेंट्स जो आपको देखने मिलते हैं। इसके बाद है ये एक बैक केस है जो इसमें यहाँ पे मिलता है, तो इसका भी क्वालिटी यहाँ पे मैं शो करता हूँ, दैट्स इट। तो इतने सारी जो चीज़ें वो आपको बॉक्स में मिलती है, एंड देन इसके बाद एक यूज़र मैनुअल, तो 1, 2 एंड 3 ये तीन चीज़ है जो आपको बॉक्स में मिलता है, और इसके बाद एक इसके अंदर है यूज़र मैनुअल्स। टोटल तीन चीज़ें जो आपको रेडमी नोट 12 प्रो 5G के बॉक्स में देखने मिलेगा। तो उसके बाद जो हमारे रेडमी का नोट 12 5G है उसके बॉक्स में बस आपको इतनी सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो ये है रेडमी नोट 12 5G वाला वेरियंट है मेरे पास। तो यहाँ पर इसमें भी आपको तीन चीज़ें मिलती है, इसके अंदर मिलता है एक यूज़र मैनुअल्स और एक सिम टूल किट मिलता है यहाँ पर, दैट्स ऑल अबाउट। और उसके अलावा यहाँ पर आपको एक चार्जर स्मार्टफोन, देन उसके बाद यहाँ पर एक ये दैट्स इट। तो इतने सारी चीज़ें जो आपको टोटल चार चीज़ें जो आपको इस रेडमी नोट 12 5G में देखने मिलेंगे। तो गाइस ये है हमारे दोनों स्मार्टफोन और ये है दोनों स्मार्टफोन के जो बैक केसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन को ओपन करते हैं और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के जो लुक्स है उसे एक बार चेकआउट करते हैं। तो ये है रेडमी नोट 12 प्रो 5G एंड देन उसके बाद ये है रेडमी 12 5G। तो ये है हम गाइस इन दोनों स्मार्टफोन्स के जो के बैक केसेस है। तो ऑब्वियस बात है लुक के मामले में, तो ऑब्वियस बात है रेडमी नोट 12 5G प्रो 5G यानी कि जो प्रो वाला वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको पॉइंट्स दिए गए जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, लेकिन जो रेडमी नोट 12 5G ही आपको एक बस एक नॉर्मल से लुक के साथ दिखता है और हैंड में इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के जो बैक केसेस है उसे भी अप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो ये है जैसे आप बैक कवर को अप्लाई करोगे दोनों स्मार्टफोन पर, तो इसके जो लुक्स है वो आपको ऐसे देखने मिलेंगे। तो बैक कवर अप्लाई करने के बाद ये है इन दोनों स्मार्टफोन के लुक्स। तो डाउन साइड में यहाँ पर आपको प्रॉपर इस तरीके का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में आपको गैप्स देखने को मिलते हैं, दैट्स इज ऑल अबाउट। एंड देन उसके बाद राइट साइड में, देन उसके बाद ये है लेफ्ट साइड में दोनों स्मार्टफोन के लुक एंड द बैक साइड में, दैट्स इज ऑल अबाउट।
तब उसके बाद बात करते हैं पे दोनों स्मार्टफोन के फीचर्स की। तो ये है दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड के कैमरास, तो बैक साइड का लुक है। उसके बाद दोनों स्मार्टफोन में यहाँ पर राइट साइड में है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, डाउन साइड में यहाँ पर पावर बटन के लिए ऑप्शन। देन इसके बाद यहाँ पर डाउन साइड में है स्पीकर्स चार्जिंग पोर्ट्स के लिए ऑप्शन है। देन इसके बाद ये है लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर जो रेडमी नोट 12 5G है इसमें आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिम स्लॉट मिलता है, लेकिन जो रेडमी नोट 12 प्रो 5G है इसमें जो सिम स्लॉट है वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर देखने को मिलता है। तो रेडमी नोट 12 5G में यहाँ पर है और प्रो में यहाँ पर डाउन साइड में जो सिम्स का जो स्लॉट है वो यहाँ पर देखने मिलता है। उसके बाद दोनों स्मार्टफोन में जो स्पीकर यानी कि जो हेडफोन जाके वो ऊपर की तरफ मिलता है, यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में हेडफोन जाके ऊपर है। और एक और चीज़ है यहाँ पर जो स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो जो Redmi Note 12 5G है इसमें आपको सिर्फ नीचे की तरफ यहाँ पर स्पीकर मिलता है, ऊपर यहाँ पर कोई भी स्पीकर नहीं मिलता है। लेकिन जो Redmi Note 12 Pro 5G है इसमें आपको नीचे भी स्पीकर मिलेगा एंड देन ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको दिख रहा है, ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको स्पीकर देखने मिलेगा। यानी कि जो साउंड क्वालिटी है वो आपको नीचे से भी आएगा और ऊपर से भी आएगा। लेकिन जो Redmi Note 12 5G है इसमें आपको जो स्पीकर है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नीचे की तरफ से आएगा, ऊपर की तरफ यहाँ पर कोई भी आपको साउंड क्वालिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आई थिंक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से साउंड क्वालिटी के मामले में आपको Redmi Note 12 Pro 5G बेटर रिस्पॉन्स देगा, बट ओवरऑल भी ये काफ़ी ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स करेगा बिकॉज ये प्रो वाला वेरिएंट है तो इसमें आपको फीचर्स ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के सिम स्लॉट्स को भी चेकआउट करते हैं। तो ये मेरे हाथ में सबसे पहले है Redmi Note 12 Pro 5G। तो Redmi Note 12 Pro 5G में जो सिम स्लॉट है वो आपको ऐसे वाले ऑप्शन देखने का, तो यहाँ पर अभी आप इजीली जो सिम कार्ड है उसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, दो सिम कार्ड को आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर यू कैन सी। तो यहाँ पर आपको एक बैक साइड में आपको एक सिम यूज़ करना है एंड यहाँ पर आपको दूसरा, तो यहाँ पर सिम 1 है और यहाँ पर सिम 2 है। देन उसके बाद यहाँ पर जो Redmi Note 12 5G है इसमें जो सिम स्लॉट है वो आपको यहाँ पर देखने मिलता है, तो यहाँ पर जो सिम स्लॉट है वो आपको ऐसा देखने मिलता है। ये है Redmi Note 12 5G का सिम स्लॉट। तो गाइस आपको दोनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी आती है, दोनों स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले आता है। और यहाँ पर अगर बात करूँ वॉट्स की तो इसमें जो आता है Redmi Note 12 Pro 5G में 67 वॉट का चार्जर आता है और इसमें जो Redmi Note 12 5G है इसमें 33 वॉट का चार्जर आता है। तो ऑब्वियस बात है ये प्रो वाला वेरिएंट जो अगर आप लेते हो तो ये आपको ऑल इन ऑल होगा, कहीं ना कहीं गेमिंग परफॉर्मेंस भी इसमें आपका दोनों स्मार्टफोन में इसके कंपेयर के Note 12 5G के कंपेयर में Redmi Note 12 Pro 5G में आपका गेमिंग परफॉर्मेंस ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपका बहुत ज़्यादा बेटर होगा बिकॉज 24,000 rupees का स्मार्टफोन है। तो ऑब्वियस बात है आपको ये परफॉर्मेंस भी वैसा ही प्रोवाइड करेगा। और अगर बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की तो इसमें जो है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1080 का प्रोसेसर है जो कि एक तरीके से पावरफुल प्रोसेसर है। जो प्रोसेसर इसमें मिलता है स्नैपड्रैगन 4th Gen 1 उसके कंपेयर में इसमें जो प्रोसेसर है वो आपको पावरफुल मिलेगा। तो ऐसे में आपका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है यानी कि जो भी एप्लीकेशन का लॉन्चिंग टाइम है, एप्लीकेशन का क्विक रिस्पॉन्स है, सिस्टम का जो क्विक रिस्पॉन्स है वो आपको Redmi Note 12 Pro 5G में ज़्यादा बेटर तरीके से देखने मिलेगा। तो गाइस दोनों स्मार्टफोन का जो सेटअप प्रोसेस है वो पूरा का पूरा कंप्लीट करने के बाद जो स्मार्टफोन का लुक है वो आपको ऐसा देखने मिलेगा। और जो मैंने फर्स्ट इंप्रेशन में जब मैंने फर्स्ट टाइम इन दोनों स्मार्टफोन का जो सेटअप प्रोसेस कंप्लीट किया था स्पेशली Redmi Note 12 5G का, तो इसमें मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा लैग जैसा देखने को मिला था। और यहाँ पर एक बात मैं श्योर हूँ कि जो कैमरा क्वालिटी है जहाँ तक मैंने नोटिस किया है Redmi Note 12 Pro 5G में जो कैमरा क्वालिटी है वो आपको बहुत ज़्यादा बेटर देखने मिलेगा। तो इसको आप Redmi Note 12 5G के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कैमरा क्वालिटी में, बिकॉज कैमरा क्वालिटी Pro 5G का ही ज़्यादा बेटर आपको देखने मिलेगा। तो जैसे आप दोनों स्मार्टफोन का सेटअप प्रोसेस कंप्लीट करते हो तो दोनों स्मार्टफोन के जो लुक्स है वो आपको ऐसे देखने मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पर UI सिस्टम की और जो स्मूथनेस और सॉफ्टनेस की, तो जो प्रो वाला जो वेरिएंट है गाइस इसमें आपको स्मूथनेस बहुत ही ज़्यादा क्विक रिस्पॉन्स ही देखने मिलेगा। अगर आप Redmi Note 12 5G में स्वाइप अप करोगे तो थोड़ा सा आपको क्रंचीनेस देखने मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रो वाला वेरिएंट है इसमें आपको बहुत ही सॉफ्ट UI मिलेगा। और उसके बाद अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो दोनों स्मार्टफोन में जो ऑलमोस्ट UI सिस्टम है वो आपको सेम टू सेम देखने मिलता है, बट कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस है वो आपको प्रो 5G में बहुत ज़्यादा बेटर लेवल का देखने मिलेगा। उसके बाद अगर आप दोनों स्मार्टफोन के कैमरास को ओपन करो तो ये है गाइस दोनों स्मार्टफोन के कैमरास की सेटिंग्स। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन का चेकआउट करते हैं। तो ये है मेरे लेफ्ट साइड में प्रो, राइट साइड में 5G। तो दोनों स्मार्टफोन में जैसे आप कैमरा को ओपन करते हो दोनों स्मार्टफोन में आपको प्रो वाला ऑप्शन मिलता है। देन इसके बाद दोनों स्मार्टफोन में डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिलता है, दोनों स्मार्टफोन में वीडियोस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। वीडियोस में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रेजोल्यूशन की, तो यहाँ पर जो प्रो वाला वेरिएंट है Redmi Note 12 Pro 5G इसमें आपको 4K का सपोर्ट मिलता है, यानी कि 720p 30fps, 1080p 30fps, 1080p 60fps और 4K 30fps तक का यहाँ पर आपको सपोर्ट मिलता है प्रो वाले वेरिएंट में। लेकिन जो Redmi Note 12 5G है इसमें आपको 4K का सपोर्ट नहीं मिलता है, मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे 720p 30fps और 1080p 30fps तक का ही वीडियो आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन जो प्रो वाला वेरिएंट है इसमें आपको 4K का सपोर्ट मिलता है, 4K वीडियो आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है फोटो का, पोर्ट्रेट का, दोनों में ऑप्शन है, दोनों में आपको नाइट मोड का फीचर मिलता है। उसके बाद अगर आप मोड के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये है दोनों स्मार्टफोन में आपको स्लो मोशन वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, दोनों स्मार्टफोन में आपको शॉर्ट वीडियोज़ का ऑप्शन मिलता है। कैमरा की अगर मैं बात करूँ तो कैमरा में यहाँ पर आपको जो Redmi Note 12 Pro 5G है इसमें 50 megapixel का कैमरा आता है, 50 megapixel का कैमरा है। और जो Redmi Note 12 5G है इसमें 48 megapixel का कैमरा है। दोनों स्मार्टफोन में फ्रंट में 16 megapixel यानी कि 16th megapixel का यहाँ पर आपको फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन में कैमरास देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे टॉप नेच के, तो यहाँ पर आपको जो Redmi Note 12 Pro 5G है इसमें आपको जो बेजल है वो थोड़ा सा कम देखने मिलेगा, और Redmi Note 12 5G के कंपेयर में बेजल आपको Redmi Note 12 Pro में बहुत ही कम देखने मिलेगा। अब उसके बाद यहाँ पे जाते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेटिंग्स में एंड देन उसके बाद UI सिस्टम अबाउट फोन पर जाकर चेकआउट करते हैं।
तो मेरे हिसाब से यह है रेडमी नोट 12 प्रो एंड 5G। दोनों इसके बाद अभी यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में आपको MIUI 13 मिलता है। तो जो रेडमी नोट 12 प्रो 5G है इसमें 128GB का स्टोरेज है जिसमें 24GB यूज़ करने के लिए मिलता है, और यहाँ पर जो रेडमी नोट 12 5G है इसमें भी 128GB है लेकिन इसमें 25GB ऑलरेडी यूज है। तो 24 दोनों स्मार्टफोन में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर मिलता है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एंड्रॉइड वर्जन की, तो दोनों स्मार्टफोन में जो आपको एंड्रॉइड वर्जन है वो आपको सेम टू सेम मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में एंड्रॉइड 13 का ही यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ गाइस यहाँ पर आप, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप दोनों स्मार्टफोन में से कंफ्यूज है कौन सा लेना चाहते हैं, तो मैं हाईली हाईली रिकमेंड करूँगा आप रेडमी नोट 12 प्रो 5G के लिए जाइए, बिकॉज इसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगा। और 4 से 5 साल में यानी कि लॉन्ग टर्म बेसिस में रेडमी नोट 12 प्रो 5G वाला वेरियंट आपको ज़्यादा बेटर रिस्पॉन्स देगा। यहाँ पर जो रेडमी नोट 12 5G है ये आपको 18,000 में मिलता है, और ये जो रेडमी नोट 12 प्रो 5G है ये 24,000 रुपीज़ में। खाली आपको 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा स्पेंड करना है, लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस है वो आपको लॉन्ग टर्म बेसिस में बहुत ज़्यादा बेटर मिलेगा। दैट्स इज ऑल अबाउट। अब उसके बाद यहाँ पर फाइनली टेस्ट आउट करते हैं साउंड क्वालिटी के, एक्जैक्टली दोनों स्मार्टफोन में आपको साउंड क्वालिटी कैसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दोनों स्मार्टफोन में जो साउंड क्वालिटी है उसे ओपन करता हूँ और यहाँ पर चेक करते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन में, तो अब यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन में साउंड टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं किसका साउंड क्वालिटी यहाँ पे बेटर देखने मिलता है। तो दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम सॉन्ग को प्ले हुआ था। तो अभी यहाँ पे गाइस मैं दोनों स्मार्टफोन में सेम टू सेम सॉन्ग को प्ले करूँगा। तो पहले यहाँ पे प्ले करता हूँ ये रेडमी नोट 12 5G में सॉन्ग को प्ले करता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ। तो ये जो साउंड आ रहा था इस रेडमी नोट 12 5G में आ रहा था, अब यहाँ पे इसी सेम सॉन्ग को मैं प्ले करता हूँ इस रेडमी नोट 12 प्रो 5G में। तो गाइस मैं फर्स्ट इंप्रेशन में यानी कि अगर वैसे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे एकदम फर्स्ट क्विक में जो मैंने नोटिस किया है इस बारे में मैं 100% श्योर हूँ कि साउंड क्वालिटी आपको रेडमी नोट 12 प्रो 5G में बहुत ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल गाइस यहाँ पर अभी दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपको परचेस करना चाहिए, मैं हाईली रिकमेंड करूँगा अगर आप एक ही स्मार्टफोन को 5 से 6 साल यानी कि 5 to 6 years तक आप यूज़ करना चाहते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप रेडमी नोट 12 प्रो 5G के लिए जाइए। लेकिन आप अगर आपको इतना बजट नहीं है तो फिर आप एंड अप आपके पास एक ही ऑप्शन मिलता है इस रेडमी नोट 12 5G के लिए जाइए। लेकिन दोनों स्मार्टफोन 5G है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म बेसिस में जो आपको बेटर तरीके से गेमिंग परफॉर्मेंस, साउंड क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी, ओवरऑल सिस्टम का जो फंक्शन है वो आपको ओवरऑल जो बेटर फीचर है वो आपको रेडमी नोट 12 प्रो 5G में ज़्यादा बेटर देखने मिलेगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपका 17 या 18,000 रुपये का स्मार्टफोन है, अगर आप 4-5 हज़ार और स्पेंड करते हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा आप रेडमी नोट 12 प्रो 5G के लिए जाइए, बिकॉज ये आपको लॉन्ग टर्म पे बेटर रिजल्ट देगा। तो गाइस ये था इस रेडमी नोट 12 प्रो 5G वर्सेस रेडमी 12 5G का एक कंपैरिजन बेसिस पे अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू और कंपैरिजन। तो गाइस मैं दोनों स्मार्टफोन को लेकर बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक बहुत ज़्यादा कवर करने वाला हूँ, बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक। वैसे अगर आपको बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक जानने में इंटरेस्टेड है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्यूचर में आपको उसकी नोटिफिकेशन